पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक तमाम होम और इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल जारी कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब किन टीमों का दौरा करने वाली है, कौन सी टीमें पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, मुकम्मल शेड्यूल आपसे शेयर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सीरीज के बारे में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जिन टीमों ने करना है उनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड शामिल है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान ने जिन टीमों का दौरा करना है उनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका भी शामिल है और जिम्बाब्वे का दौरा भी पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले करना है। अगर हम बात करें तमाम होम और इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल के बारे में तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में होने वाले होम सीरीज के बारे में। तो पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा दो टेस्ट मैच के लिए करना है। अगर हम बात करें पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज के शेड्यूल के बारे में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21-25 अगस्त को रावलपिंडी में और दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा 3 टेस्ट मैच के लिए करना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 3-7 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 15-19 अक्टूबर को कराची में और तीसरा जो टेस्ट मैच है वो 24-28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। उसके बाद जिस टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है वो वेस्ट इंडीज है, जो कि जनवरी 2025 में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसमें दो टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। पहला टेस्ट मैच है जो कि 16-20 जनवरी तक कराची में खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 24-28 जनवरी को मुल्तान में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच जो है वो 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच भी जो 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 12 फरवरी को मुल्तान में और 14 फरवरी को आखिरी और फाइनल मैच जो खेला जाना है वो मुल्तान में खेला जाएगा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी पाकिस्तान में होने है, जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी, जिसका शेड्यूल आईसीसी ने अनाउंस करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज के हवाले से। तो पाकिस्तान ने जो पहला दौरा करना है वो ऑस्ट्रेलिया का करना है, जो कि 3 T20 और 3 वनडे मैचेस के लिए करना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जिसका जो पहला वनडे मैच है वो खेला जाएगा 4 नवंबर को मेलबर्न में, दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा 8 नवंबर को एडिलेड में और तीसरा वनडे मैच 10 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। बाद पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में, दूसरा T20 मैच 16 नवंबर को सिडनी में और तीसरा T20 मैच 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे का दौरा 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए करना है। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस जिम्बाब्वे के बुलवायो शहर में खेले जाएंगे। पहला वनडे मैच 24 नवंबर को, दूसरा वनडे मैच 26 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। पहला जो T20 मैच है वो 1 दिसंबर को, दूसरा T20 मैच 3 दिसंबर को और आखिरी T20 मैच 5 दिसंबर को खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का दौरा 3 वनडे 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस के लिए करना है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला T20 मैच है 10 दिसंबर को डरबन में खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच 13 दिसंबर को सेंचुरिया में और तीसरा T20 मैच 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा, जबकि पहला ODI मैच 17 दिसंबर को परल में, जबकि दूसरा ODI मैच 19 दिसंबर को केपटाउन में और तीसरा ODI मैच 22 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26-30 दिसंबर को सेंचुरिया में और दूसरा टेस्ट मैच 3-7 जनवरी को केपटाउन में खेला जाएगा।